भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस धाकड़ बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में भारत के पहले ही मुकाबले में धमाकेदार पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया था। हरमनप्रीत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मैच में 51 गेंदों पर 103 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसके साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे। वहीं इसके बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मुकाबला हुआ तो वहां हरमनप्रीत ने नाबाद 14 रन बनाए और उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। जीत के रथ पर सवार कप्तान हरमनप्रीत सिर्फ अपने खेल को लेकर ही नहीं बल्कि एक अन्य चीज को लेकर भी चर्चा में है। भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 विश्व कप मैच शुरू होने से ठीक पहले हरमनप्रीत एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए नजर आईं। ये उन बच्चों की मैस्कॉट टीम का हिस्सा थीं जो खिलाड़ियों के साथ राष्ट्रीय गान के दौरान मौजूद रहते हैं। अचानक इस बच्ची की तबीयत खराब हुई तो हरमनप्रीत उसे खुद गोद में उठाकर मैनेजमेंट और ग्राउंड स्टाफ को सौंपती नजर आईं ताकि उसे बाहर ले जाकर मेडिकल सुविधा दी जा सके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी टीम को 133 के स्कोर पर रोकने में सफलता हासिल की। इसके बाद 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय महिला टीम की अनुभवी ओपनर मिताली राज और स्मृति मंदाना ने पहले विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की। मिताली ने इस दौरान 56 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम ने 7 विकेट से मैच जीता। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।